सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और एक और नया वीडियो आज आपके लिए मैं लेके पहुंचा हूँ मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेस टू से। और आज यहाँ पे मैं लेके पहुंचा हूँ ऐसी कंपनी के पास जो कि है दिल्ली बेस्ड और बाथिंग स्टीम और जकूजी में काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग। और डायरेक्ट आपको मैं लेके पहुंचा हूँ कंपनी के डायरेक्टर से बात करवाने। देख लेते हैं किस तरीके से आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं B2B में, B2C से, क्या क्वालिटी रहने वाली है, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो लोग घर पे अपना ये यूज करना चाह रहे हैं, कमर्शियली यूज करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग इन लोगों से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाले हैं, नया डीलर बनना चाह रहे हैं इन लोगों का, तो आप लोग डायरेक्टली इनसे जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर से, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है B2B के लिए, और सीधा मिलते हैं, बात कर लेते हैं। सो हाय सर। हेलो। हाय। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपना बताएंगे नाम का। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज, मेरा नाम साजी है। okay. मायापुरी इंडस्ट्री एरिया फेज टू 174 में हमारी फैक्ट्री है। okay. हम तो स्टीम बाथ, सोना बाथ, बाथटब, जकूजी, ये सारे हम बनाते हैं, चिल्लर बाथ भी बनाते हैं। बाकी हम इसी लाइन में 95 से है। okay. बाकी हमने 2005 में हमने ये फैक्ट्री शुरू किया था, छोटा सा काम शुरू किया था। 2009 में हमने ये जो है फैक्ट्री रजिस्टर किया था। ठीक है। ये जो मैं इसी लाइन में जब आया थे उस समय ये जो स्टीम बात, सोना बात, उसका कोई सर्क्यूट हो गया, कोई मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं था। उसका सारा मैंने डेवलप किया, सारा कुछ मैंने किया, लोगों ने वो हमारे ही कॉपी किया था। उस समय स्टीम बात दे, वो स्टीम बात, सोना बात, ये सब दे, लेकिन उसका कंट्रोल पैनल हमने बनाई और उसका सर्क्यूट है, उसका जैसे उसमें काफी चीजें अलग अलग लगते थे, हमने सारे एक ही में लाया, एक ही में लाया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आप लोग पहले हैं ऐसे जिन लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं 2095 से हूँ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो है, हम ये जो क्वालिटी पे इतना ध्यान देता हूँ, और दूसरा जो हमारा जो कस्टमर है वो साइड टू साइड है। जैसे आपने एक हमारे प्रोडक्ट अगर खरीद लिया, बिल्कुल, तो आप जरूर आप एक साल के बाद दो लोगों को जरूर बताएंगे, ऐसे हमारी सर्विस है। उसी हिसाब से अगर मैंने परचेस किया तो अगर क्वालिटी अच्छा लगा तो आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको। तभी तो लोगों ने इतने रेटिंग दिया। आप भी पहले पूछ रहे थे ना, इतने वो बाकी लोगों का कंपनी का उसमें रेटिंग कम है, हमारे इतना कैसे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तभी लोगों ने रेटिंग दिया। इसीलिए मैंने चेक करके थोड़ा सा वीडियो में भी मैंने गूगल पे चेक किया था आपका, तो मैंने रेटिंग के हिसाब से मैंने कई बार बात करते हैं और सस्ते वीडियो बना के आते हैं ताकि सारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों का होता है। बिल्कुल ठीक है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज देखा जाए तो किस तरीके से आप खुद देख सकते हो। अच्छा ठीक है, बाय। So guys, चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे सर से। आप लोग किस तरीके से फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पे आके और देख सकते हैं डेमो, कितनी क्या आप सैम्पलिंग है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। वीडियो को करते हैं यहाँ पर शुरू और कंप्लीट रेंज दिखा देते हैं प्रोडक्ट की, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और न्यू बिजनेस आइडियाज वीडियोस आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे मेन प्रोडक्ट में एक है स्टीम बाथ है। तो ये सर स्टीम आ रहा है यहाँ से बाहर क्या? हाँ, स्टीम बाहर आ रहा है। ये 10 mm का ग्लास है, पार्टीशन है, 10 mm का ग्लास की पार्टीशन है और इसमें डोम दिया हुआ है। इसका जब जैसे आपके बाथरूम के अंदर, ये बाथरूम का बाहर, ये स्टीम रूम के बाहर साइड में ये कंट्रोल पैनल लग जाता है और ये स्टीम जो है बाहर साइड में आप लगा सकते हैं। इससे काफ़ी बेनिफिट भी होता है। कोरोना के टाइम में काफ़ी लोगों ने स्टीम लिया और बहुत लोगों ने स्टीम लिया, वो लोग अच्छा ही बोला। ठीक है, आप लिए जो स्टीम बात है इसका टेम्परेचर वाइज मतलब टेम्परेचर आप इसमें ऑटोमेटिक सेट है। जैसे आप इससे करेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर है और 30 मिनट का टाइम है, उससे ज्यादा लोग बैठ नहीं पाते। जैसे अगर आपने मान लो आपने अगर दोबारा अगर टेम्परेचर और टाइम सेट करना चाहे तो वो भी हो जाएगा। इसके फंक्शन थोड़ा समझाओगे मुझे आप किस तरीके से करते हैं? जैसे ये पावर ऑन कर दिया। okay. उसके बाद आप टेम्परेचर टाइम सेट कर सकते हो, अगर ना करना चाहे तो स्टीम ऑन कर सकते हो। उसके बाद इसका लाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और वो जैसे 30 मिनट हो गया, 30 मिनट में अपने आप वो कट ऑफ हो जाएगा टेम्परेचर 50 डिग्री पे। ये देखो 51 डिग्री हो गई, वो कट ऑफ हो गया, अभी 48 पे जाके ये अपने आप ऑन हो जाएगा। ये क्या फंक्शन है इसके यहाँ पे दिखाएंगे? ये उसका लाइट है, जैसे इंडिकेटर है, जैसे स्टीम ऑन हो गया, अभी स्टीम अपने आप ऑफ हो गया। कस्टमाइज मतलब साइज जैसे भी है, ये साइज है तो इससे बड़ा साइज भी बनाते हैं, छोटा जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, उसी हिसाब से आपको स्टीम का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कोई भी जगह अगर अदर स्टेट हम करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से हम उसका जो स्टीम जनरेटर है उतना किलोवाट बढ़ाना है, कम करना है, जो भी है वो देखते हैं। बाकी हम तो जितने टाइल अवॉइड करोगे तो उतना अच्छा है। ग्लास दो साइड तो कम से कम हो,
आपका टेम्परेचर थोड़ा अच्छा मेंटेन रखेगा। तो डिपेंड क्वालिटी वारंटी गारंटी होता है इसका कुछ किस तरीके से देते हैं? हमारा 2.5 साल की वारंटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, पैनल्स वगैरह मतलब जितना भी कंप्लीट रेंज की 2.5 साल की गारंटी होती है। बिल्कुल है। आपने इसका बताया जो अगर इसकी कॉस्टिंग वगैरह अगर कोई बात करें किस तरीके से आती है मिनिमम टू मतलब मैक्सिमम एप्रोक्सीमेटली आइडिया अगर हो सकता है? अगर आप घर पे लगाना चाहें तो वो 50,000 से लेके 65,000 के बीच में खर्चा आ जाता है। जैसे आपके ग्लास पार्टीशन ज्यादा होगा जितना होगा उसी हिसाब से स्टीम जनरेटर की कैपेसिटी बढ़ेगा। वो ये जगूजी बात पे ये इसमें हम 6 जेट देता है, ये 6x4 का साइज है, ये न्यू मॉडल है, इसमें डाइवर्टर खान शावर बबल बाथ सब दिया हुआ है। हमारे पास साइज में 5.5x2 से लेके 8x8 तक का टब है, बाथ टब है हमारे पास। उसमें आप जो बताएंगे जैसे जैकूजी लगाना है बबल बाथ लगाना है वो सब लग जाता है। तो सर इसका जो जो डिजाइन है साइजेस वगैरह कस्टमाइज भी हो जाते हैं आप लोगों के साथ कैसा होता है? नहीं हमारे पास डाई होती है जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज होता है वही होता है। कलर आप कर सकते हो, कलर का जो है दो आजकल तो व्हाइट और ऑफ व्हाइट चलता है, बाकी आप दूसरे कलर भी चाहें तो वो भी हो जाता है। अभी जैसे देख रहे हैं कि इसमें 2 लोगों के लिए जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, तो इससे ज्यादा भी हो जाता है ज्यादा लोगों के लिए? हाँ 4 लोगों का भी है हमारे पास, 6 फुट राउंड है और 8x8 का भी टब है। बाकी यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसकी वजह से हमें करना पड़ता है, जैसे ऑर्डर के हिसाब से ही बनता है। ठीक है। सो अगर जकूजी की बात करें इसका बताएंगे मतलब कि प्रेशर किस तरीके से पानी रिलीज करता है, कैसे बॉडी को रिलैक्स करता है? इसके अंदर पानी जैसे आप भरेंगे ये यहाँ तक भरेंगे यही पानी से आपको बॉडी मसाज होगा, ये बबल बात होगी, इसमें कलर लाइट है और आपने वहां पे एक पानी का दो कनेक्शन देना होता है। इसमें हैंड शावर भी है, डाइवर्टर भी दिया हुआ है और मिक्सर भी दिया हुआ है, इससे ऑन ऑफ हो जाएगा। इसी का अगर आप डिजिटल में चाहें तो डिजिटल वाला भी है हमारे पास। ठीक है एक बार देख लेते हैं डिजिटल वाला। डिजिटल में ही है, ये टच में है सारा, वही सारा फंक्शन। ये भी 2 सीटर है और 6x4 का है ये भी। ये साइज इसका भी सेम है मतलब वेरी कर सकते हैं? इसका भी सेम है। इसमें लाइटिंग वगैरह चेंजेस होती है? हाँ कलर चेंजिंग होती है। ठीक है तो फंक्शन ये रिमोटली होता है या मतलब कैसे करते हैं? नहीं रिमोट से नहीं होता, रिमोट तो ऐसे भी पानी में रहकर रिमोट से क्या करें इसका, मेरे को बताएंगे थोड़ा डिस्प्ले में मतलब डिजिटल किस तरीके से यूज होता है? ये इसमें म्यूजिक भी दे रखा है और जो है इसका ऑन ऑफ का है, FM का है और ये जो बबल बाथ का है और जैकूजी बाथटब का भी, जैकूजी का भी है। जैसे कोई डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह बोलते हैं जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर में हम मतलब 1 घंटे लेटना है, उसके लिए भी हमने बनाया हुआ है, ऑर्डर के हिसाब से बनता है। तो इसके जितने प्रोडक्ट हैं मतलब मशीनरी लगा हुआ है इसमें सबका मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आप लोगों ने जो समय से ही रहता है हर एक का दो हाँ जी हाँ जी 2.5 साल का रहता है। अभी आपको दिखाया था बाथटब दिखाया था और स्टीम बाथ दिखाया था। ये मल्टीफंक्शन स्टीम रूम है, इसमें क्या है इसमें आपको डाइवर्टर भी दिया हुआ है, मिक्सर भी दिया हुआ है, बॉडी जेट है, इसमें शावर भी है, स्टीम इसी में लग जाता है। जैसे आप घर पे अगर इसके पॉइंट वगैरह दे देते हैं तो ये जाके वहां पे 1-1.5 घंटे के अंदर ही वहीं पर ही इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें क्या होता है 15-20 दिन आप ऑर्डर देने के बाद 15-20 दिन लगता है, इसमें आप ऑर्डर देने के बाद वहां पे जाके साइड पे जाके 1-2 घंटे में इंस्टॉल हो जाता है। ये भी पहले चाइनीज तो आता है लेकिन इंडियन हम ही बना रहे हैं, ठीक है, बाकी सब लोग नहीं बना रहे, इंडियन नहीं बना रहे, ये इधर भी A to Z यही के ही बना हुआ है। ठीक है तो बात करें डिफरेंस इसमें तो डिफरेंस क्या होने वाले इन दोनों बाइस में? उस पर ग्लास पार्टीश में वो दीवार में वो चीज बनाया हुआ, ये तो पूरा जो जैसे आपकी अलमारी टाइप का ये स्लाइडिंग, बन जाता है तो वहीं पर ही आके लग जाता है। ये कल को अगर आपने दूसरी जगह भी इंस्टॉल करना चाहे वो हो जाए। अच्छा मतलब ये वहीं कहीं भी दूसरी जगह। और दूसरी चीज वो उसमें आपका 2 दीवार हो गया वो टाइल की वजह से थोड़ा सा वो है, ये इसमें बिल्कुल ही जो स्टीम है वेस्ट नहीं हो जाता, जैसे क्लाइमेट के हिसाब से वो टाइल ठंडा रहता है, ये ठंडा नहीं होने देगा, ये इसमें जितना टेम्परेचर रहेगा उतने पे रहेगा। इसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इसमें आपने अंदर दिया हुआ है पैनल। हाँ जी तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि उसमें कोई इश्यू आ जाए खराब होने का? उसके अंदर नहीं लग सकता, इसके अंदर लग जाएगा। हाँ जी ये जो मॉइस्चर आएगा तो ये इसके बाहर है, इसमें एयर सर्कुलेशन है, उसके अंदर होगा तो एयर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा,
इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट लगी है उसको एयर सर्कुलेशन प्रॉपर मिल रहा है, यहाँ से पानी जाने का कोई वो नहीं है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर दोनों में सेम ही जाएगा, सेम ही रहेगा, ये थोड़ा और बेस्ट है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको रीयूज कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पसंद नहीं आ रहा तो कहीं दूसरी चीज इसमें बॉडी मसाज भी आया ना, एक साथ नहीं पानी आएगा, जैसे मसाज होगी पहले ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, फिर सारे एक साथ चलेगा, फिर वो मतलब इधर उधर चलेगा ऐसे करके, बाकी वो इसमें शावर भी आ गया। जैसे लोग स्टीम लेते हैं, स्टीम लेने के बाद शावर लेना जरूरी होता है, शावर इसलिए जरूरी होता है जैसे कोई क्लाइमेट चेंज होता है तो आप बीमार पड़ जाते हो, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। आप अगर डेली अगर स्टीम ले लिया, शावर ले लिया, तो क्लाइमेट मौसम चेंज होने के कोई हमारे बॉडी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब ऑल वेदर में यूजेस होना। हाँ, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे मौसम चेंज हो गया, आप एकदम बीमार हो जाते, कई लोग बीमार हो जाते, ऐसे नहीं होने देगा। हाँ जी, आपको बॉडी को पता है ये तो, जैसे गर्म स्टीम ले लिया, उसके बाद शावर ले लिया, फिर स्टीम ले लिया, फिर शावर ले लिया। अभी आपने अभी ये देखने वाले हैं, पीछे आपने जो बताया है ये सोनाबाद के बारे में बताया, तो क्या इसके मतलब क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये जो सोनाबाद होता है, जैसे आपका यूरिन मोशन जैसे पास होता है ना, ऐसे पसीना भी जो है पास होना पड़ता है, तभी आदमी का बॉडी मेंटेन रहता है। वो ये चीज के लिए है स्टीम और सोना। जैसे आप नहाते टाइम जैसे ये बाल वगैरह का जो ये गंदगी है नहीं निकल पाते हैं, उसी से आप स्टीम एक बार लेके देखो। अगर इसी में अगर सोना में भी आप 15-20 मिनट बैठते हैं, अगर एक वाइट तौलिया लेके आप जाते हैं, वो तौलिया में पीले कलर हो जाता है। हाँ जी, इतने गंदे पसीना हमारे शरीर में पड़ा हुआ है वो बाहर निकलता है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बीपी सब नॉर्मल हो जाता है। मतलब इसमें बैठ के ऐसे काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि जैसे हम अपन लोग धूप में बैठे। हाँ, जैसे आपको लगेगा धूप सेक रहा है, इसमें पाइन की वुड है और ये स्टोन गर्म होता है, ठीक है, आपको ये लगेगा आप बाहर खड़ा होकर धूप सेक रहे हो। तो मतलब ऐसे कोई इसके कोई मतलब डिसएडवांटेज तो नहीं होते हैं कि मतलब बॉडी में हार्म करता हो, कुछ ऐसा तो नहीं है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमने इसी में इंफ्रारेड भी दिया हुआ है, इंफ्रारेड सोना भी है, ये हर कोई नहीं बनाता है। अब ये दिखाने के लिए दोनों इसमें किया हुआ है, बाकी इंफ्रारेड होगा तो इंफ्रारेड ही होगा, सोना जो ये हीटर वाला होता है हीटर वाला होगा, इसमें लावा स्टोन गर्म होता है, इसमें हीटर गर्म होता है। तो वुडन में कोई ऐसा इशू तो नहीं आता है इसमें कि वुडन की थोड़ा खराब होने का कोई इशू आ जाए? इंपोर्टेड वुडन होता है, इंपोर्टेड लकड़ी होती है, ये ताइवान से लाते हैं हम। इसमें भी पूरा टेम्परेचर कंट्रोलर, टाइम कंट्रोलर सब रहता है इसमें। और कितने लोगों का सीटिंग है इसमें अगर देखें? इसमें दो लोग बैठ सकते हैं। ये पीछे में देख सकते हैं ये कस्टमाइज करा रखे हैं आप लोगों ने, डिजाइन्स वगैरह इसके, इसमें वॉच लगा रखी है जैसे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये कस्टमाइज कुछ भी अपने हिसाब से जैसे बना सकते हैं जी, जैसे बना सकते हैं। हाइग्रोमीटर, इसमें सैंड टाइमर दिया हुआ है हमने, और ये सैंड टाइमर दिया हुआ है हमने, और हाइग्रोमीटर दिया हुआ है, ये लाइट स्पेशल हमने बनाया हुआ है स्पेशल। और टाइमिंग इसमें भी आराम 30 मिनट तक अपना आराम से ले, उससे ज्यादा भी बैठ सकते हो, लेकिन हम बताते हैं इतना देर बैठो, अब ज्यादा बैठ सकते हो बैठ सकते हो। प्राइसिंग वेरी करते हैं, कितने डिपेंड करता है कि कहां से लेकर कहां तक जाएगा वो आपका सोना बात, आपका कम से कम आपका 1.5 लाख से शुरू होता है, जैसे इतना खर्चा होता है, वुडन वगैरह महंगा होता है, हीटर होता है, ये सब महंगा होता है, इसलिए वो इतने से स्टार्टिंग हो जाता है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी गारंटी 2-2.5 साल का रहता है, 2.5 साल के बाद। सो ये आपका ये सर ये जो दिखा रहे हैं ये पूरा रिसेप्शन एरिया आप लोग? हाँ, ये रिसेप्शन एरिया। और पीछे वो सर्टिफिकेट्स आप लोगों के कुछ मेंशन है उसके? ये सारा सर्टिफिकेट है हमारा, ये सीई सर्टिफिकेशन भी है और उसके बाद ब्रांड का है, ये सारा है हमारा, ठीक है। और ये लोकेटेड आप लोगों का कौन से फ्लोर पे है, किधर है, थोड़ा बता देंगे इसके बारे में भी? ये मायावरी इंडस्ट्रियल एरिया में फेज 2 में है, 174C 174 सेकंड फ्लोर है। इस सर जो कंपनी का लोगो दिखा रहे हैं इसका क्या थोड़ा सा क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, क्या हो सकता है? सर मैंने जो ये कंपनी जब खोले थे हमारे को ये था, ये कुछ नाम तो कुछ मलयालम वर्ड में होना चाहिए था, मलयालम होना चाहिए था, लेकिन सबको पता भी ना चले इसलिए आवी लिखा हुआ है। आवी का मतलब मलयालम में स्टीम है, और ये जो लोगो जो आप दिख रहे हैं WAVI लिखा हुआ है, मतलब आप ध्यान से देखोगे तो एक लड़की बैठ के स्टीम ले रहे हैं, यही है इसी के अंदर, पहला ये है और उसके बाद ये, उसके बाद वी है, उसके बाद आई है,
मतलब थोड़ा इसीलिए यूनिक लोगो है आप ध्यान से देखोगे तो वो जो दूसरा ये है एक लड़की बनी हुई है उसके बाद वो लड़की स्टीम ले रहे हैं मोमबत्ती जला सारा प्रोडक्ट आपको दिखाए अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में आपको ले चलते हैं ये आप देख सकते हो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है यहाँ पे ए टू जेड यहीं पर ही बनता है और समझदार को इशारा काफी होता है बाकी लोग सारे चीजें नहीं बनाते हम ए टू जेड यही बनाते हैं आप देखे विश्वास कर सकते हैं इतना टेक्नीशियन तो बाहर भी हमारा साइड पे गए हुए ये असेंबलिंग सेक्शन है ये आप देख सकते हैं पीसीबी से लेके माउंटिंग से लेके हर चीज से यही बनती है ये पैनल जो आप शीट ये है इसी ये किस चीज का मतलब ये काम ये उसका कंट्रोल पैनल का है कंट्रोल पैनल का माउंटिंग कर रहे हैं वो सोल्डरिंग कर रहे हैं कंट्रोल पैनल बनता है ठीक है ये टेस्टिंग वगैरह हो रहा है अच्छा सारा इसी से चलता हुआ आ रहा है तो ये स्टीम है स्टीम हमारे पास दो तीन तरह का होता है ये एसएस का स्टीम है जहाँ वो हार्ड वाटर है वहाँ के लिए यूज होता है बाकी जगह तो एमएस का ज्यादा चलता है एमएस का भी है दोनों को प्रोडक्शन है ज्यादा लोग एमएस का ही पसंद करता है एसएस का कई कई जगह ही होता है जहाँ बहुत ज्यादा हार्ड वाटर होता है वहाँ के लिए होता है ठीक है तो अभी आपने देखा है कि यहाँ पर आपने पूरा इसका बॉडी का मतलब पूरा कंप्लीट रेंज आप लोगों ने हाँ ये सारा कंप्लीट स्टीम है और किसी के पास ऐसे मिलेगा नहीं सारा कंप्लीट है स्टीम कहीं कहीं मॉडल है सारे कंप्लीट है और हमारे पास ये भी है आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों का ये भी है स्टीम ये वाला ये क्या यूज में आता है ये हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है जिसका गर्दन बाहर रहता है सो ये पूरा जो प्रोसेस है इसका तो कंप्लीट माने जाते कि मतलब कितना टाइम लग जाता है इसको कंप्लीट पूरा बनाने के लिए ऐसे तो ऐसे उधर से शुरू करते हुए आता है ना वहां जाके वो कंप्लीट हो जाता है ऐसे नहीं कह सकता ये एक स्टीम एक आदमी कर रहे हो मतलब उतना जैसे 15 लोग करते हो ना 15 जगह टेस्टिंग होती है जैसे पहले उधर का हो गया दूसरे बंदे ने तीसरे बंदा ऐसे करके टेस्ट करते हुए आता है यहाँ आके कम्प्लीट होता है मतलब स्टेप टू स्टेप चलता है हाँ जी हाँ जी एक आदमी ये नहीं है एक आदमी जाके वो स्टीम बनाए ऐसे नहीं सारे लोग टेस्टिंग होती है उसके बाद फाइनल चेकिंग होता है फिर जाते टाइम और दोबारा टेस्टिंग होती है उसके बाद हम बेचते हैं और आपने मैंने देख रहा हूं अभी तक जैसे सब लोग वेल ड्रेस्ड हैं तो आप लोगों का ये ड्रेस कोड भी रखा है क्या यहां पे हाँ बिल्कुल है अपने फैक्ट्री विजिट भी मुझे करा दिया जहां पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन चीजों की ठीक है तो अगर बात करें इसके बारे में कोई अगर फैक्ट्री विजिट वगैरह करना चाहे आना चाहे देखना चाहे कि भाई क्या प्रोडक्शन करते हो किस तरीके से करते हो आप लोग तो वो चीज भी फैसिलिटीज अवेलेबल है आपकी बिल्कुल है लोग यहाँ आके हम बताते हैं ये सारा हमारे पास बनता है कोई लोग बोलता है नहीं हमारे पास ये बनता वो बनता नहीं ऐसा नहीं हम दिखाते हैं आप पसंद आए तो आप लोग सो सर अभी तक आप लोग आपने जो मेरे को पूरा फैक्ट्री विजिट करा दिया अपना ठीक है प्रोडक्शन दिखा दी मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी तो ऑलमोस्ट तो मैंने देखिए मतलब आप अच्छी चीजें कर रहे हैं अगर आप लोग को उसे कोई कनेक्ट करना चाहे बी टू बी में या बी टू सी में तो आपका पूरा प्रोसेस मुझे बताइए कि कैसे कोई आपसे जुड़ सकता है जैसे डीलर भी जुड़ सकता है और डायरेक्ट कस्टमर भी आ सकता है अगर गूगल का थ्रू भी आ सकता है गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आता है आवी स्टीम का नाम से ऐसे भी आ सकता है हमारे नंबर वगैरह सारा उसमें मिल जाएगा आवी आवी स्टीम करके भी आप गूगल पे देखेंगे वो भी आ जाएगा दिलगाल बातिंग कंसेप्ट करेंगे तो भी आ जाएगा कोई आना चाहते हैं तो आप आ सकते हो मायापुरी इंडस्ट्री एरिया फेज टू में C174 सेकंड फ्लोर पे है आईडी मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा आपका ये भी बता दीजिए हाँ मेरे मोबाइल नंबर है 9818121160 अगर हमारे मेल आईडी है avisteam@gmail.com डीलर हमारा ऑल ओवर इंडिया में है काफी लोग है बाकी ऑनलाइन भी लोग ज्यादा लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं आप देखो फ्यूचर में ये हर घर पे ये लगने वाला है देखो कोरोना के बाद काफी लोगों ने घर पे लगाया आंगी और दूसरी चीज कोरोना से वो ठीक भी हो गया काफी लोग ठीक भी हो गया लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं ये चीज के लिए बता नहीं सकता हूं लेकिन काफी डॉक्टर ने भी बताया काफी लोग भी जो कोरोना में था वो काफी लोग भी बच गया कोरोना से बचा स्टीम लेने से और दूसरी बात आप जितने बार नहाओगे ना वो जो आपका स्किन में जो गंदगी है वो नहीं निकल पाते वो आप एक बार स्टीम में 5-7 मिनट बैठ के आप मिरर में देखो कहीं भी और पहले आप मिरर में देखो उसके बाद जाके देखो उसके बाद आपको नींद कैसे आता है आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे रहता है आप 2-4 दिन यूज करके देखो
स्टीम बात अगर खरीदने नहीं चाहते तो आप कोई भी जिम हो गया, कोई भी बड़ा स्पा हो गया, मीडियम टाइप का हो गया, अब वहां पे जाके देखेंगे 95% भी हमारे ही स्टीम जनरेटर लगा हुआ है। आप वहां पे एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए ट्रायल ले सकते हो। वहां उसके जाने के बाद, आप वहां पे यूज करने के बाद हमारे पास आइए, तो हम आप उनसे भी एड्रेस वगैरह ले सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो हमारी सर्विस कैसे है, क्वालिटी कैसे है। यहाँ दिल्ली NCR में 95% भी हमारी स्टीम लगी है। सो गाइस, ये पूरा आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी है, सर से बात करवा दी है, पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे दी है, और आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो सर वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सारी वीडियो में आपको मिल गई है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, यहाँ आप जाके देख सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको किसी ऐसी नई वीडियो में नए दिन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।